तो ये बैड बॉय मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो एक फैमिली एंटरटेनर है। एक लंबे समय के बाद कुछ इस तरीके की मूवी आई है जो आप फैमिली के साथ जाके थिएटर में देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर, इट्स गॉट अ नाइस नाइस स्टोरी, ग्रेट कॉमेडी दैट विल कीप यू एब्सोल्युटली एंटरटेन्ड, मेलोडियस सुपर एक्सेलेंट सॉन्ग्स, ऐसा सॉन्ग्स मतलब वो जनाबे आली गाना जब बजता है ना यार, आपका भी झूमने का मन करेगा। सो भाई फाइनली बैड बॉय पिक्चर को मैंने देखा। देखो भाई अगर मैं बोलूं तो सिंपली जो पिक्चर का माल है वो फन टू वॉच के नजरिए से प्रेजेंट किया गया है, और अगर आप एक पिक्चर देखना चाहते हो जिसमें आपको कॉमेडी फैमिली वगैरह की जो चीजें होती है वो देखने को मिले, मतलब जो फैमिली का एस्पेक्ट है वो आपको एंटरटेन करे, तो डेफिनेटली आप इस पिक्चर को देख सकते हो। भाई अमरीन की बात करें दोस्तों तो शी इज ऑल्सो प्रीटी गॉर्जियस, बंगाली लड़की के किरदार में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है, फैमिली के साथ जाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। और एक चीज मैं तुम लोग से बोलना चाहता हूँ, इस फिल्म में जो लीड एक्टर है ना नांसी चक्रवर्ती, जो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, और जो आमरीन है इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है, ये दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम करा। और जहां तक बात करें फिल्म के मेन हीरो हीरोइन की, तो उन दोनों की एक्टिंग भी काफी कमाल की रही है। और स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा अमरीन का, बिकॉज उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है इस फिल्म के अंदर। लाइक पूरी फिल्म एक तरफ और अमरीन की एक्टिंग एक तरफ, इस तरीके से उन्होंने पूरा बांध के रखा हुआ है। बात करता हूँ नमाशी चक्रवर्ती, बंदा एक्टिंग नहीं, वो नेचुरली जो ऐसा लग रहा है नेचुरली परफॉर्म कर रहा है। नेचुरल बैड बॉय, यस नेचुरल बैड बॉय, मतलब लग रहा है दोनों की जोड़ी भी अच्छी है, दोनों की लव स्टोरी भी अच्छी है, और दोनों के इमोशनल सीन जो क्लाइमेक्स से इमोशनल जो किया ना बहुत ही जबरदस्त गया। इमरान कुरैशी भी है और नमाशी चक्रवर्ती ने, दोनों इमोशनल सीन बहुत जबरदस्त है। नमाशी और अमरीन का स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा है, खास करके अमरीन कुरैशी का काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। देखो कहानी फीकी है लेकिन लड़की के परफॉर्मेंस ने फिल्म को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की है, फिल्म के अंदर जान डालने की पूरी कोशिश की है। आई कैन से पूरी फिल्म एक तरफ और अमरीन एक तरफ। इन्होंने एक फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी बनाई है। जी गाइस, यहाँ पे मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, रोम कॉम फैमिली एंटरटेनिंग रोमांटिक गाइस ये मूवी है। इस जेनर में अगर आप लोग कनेक्ट करते हो तो आप लोग जाके इस मूवी को देख सकते हो। बदलते वक्त के साथ साथ इस तरह की फिल्में थोड़ी कम हो गई, और एक लंबे अरसे के बाद इसी तरह की कॉलेज एंड टीनेज रोमांस वाली फिल्म आई है जिसका नाम है बैड बॉय। नमाशी चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती के बेटे हैं, और यहाँ पर जो दूसरी है वो हीरोइन जो है हमारी अमरीन कुरैशी, उनका भी डेब्यू है। दोनों का काम काफी अच्छा है। पारिवारिक फिल्म है, इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ बहुत ही आसानी से बैठकर देख सकते हो, और इस फिल्म के माध्यम से आप खुद को एंटरटेन भी कर सकते हो। यानी कि एक स्मूथ स्टोरी के साथ जबरदस्त कॉमेडी का तड़का आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। फिल्म एक लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म है जिसमें वल्गर लैंग्वेज या किसी भी तरह से कोई वल्गर सीन्स नहीं है, तो ये मूवी टोटल फैमिली फ्रेंडली है। दूसरा गुड पॉइंट, जॉनी लीवर सर, जितना भी टाइम ये स्क्रीन पर है मूवी देखने में मजा आता है। तीसरा गुड पॉइंट, सेकंड हाफ में एक बहुत ही वेल नोन कॉमेडी एक्टर का कैमियो है। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे निमोशी की ये डेब्यू फिल्म है, और उन्होंने काफी प्रूव किया है अपने एक्टिंग पोटेंशियल को इस फिल्म के माध्यम से। काफी ऐसे सीन्स है फिल्म में, कॉमेडी की बात करें या डांसिंग की बात करें या एक्शन की बात करें, मिथुनदा की झलक दिखती है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने भरसक प्रयास किया है कि वो एक नेचुरल एक्टर की तरह उभरें। और आमरीन कुरैशी की बात करूं तो आमरीन कुरैशी की ये पहली फिल्म है, लेकिन उन्होंने सरप्राइज किया है अपनी पहली फिल्म के जरिए। पहली फिल्म में इस तरह से बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ, जैसे कि शाश्वता चटर्जी हो गए या फिर जॉनी लीवर हो गए, यहाँ तक कि आपको बता दूँ इस फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती का कैमियो भी है, उसके अलावा राजपाल यादव भी हैं। तो अलग अलग बड़े बड़े जो लेजेंडरी एक्टर होते हैं इस फिल्म के अंदर हैं, और उनके सामने काम करना अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो आमरीन कुरैशी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने सरप्राइज किया है। नमशी भाई है, हाँ। अपने मिथुन चक्रवर्ती काफी अच्छा संभाला, काफी एक्टिव था, एग्जैक्टली, और बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और दोनों की केमिस्ट्री, मतलब नमशी और अमरीन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है।